दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश कुमार सिंह ने प्रशासनिक भवन के हाल में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 30 अप्रैल से 2 मई तक राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व कुलपति देवेंद्र शर्मा, वरिष्ठ अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह, सचिव केमिकल एंड फर्टिलाइजर आर के चतुर्वेदी, सांसद जगदम्बा पाल, हाईकोर्ट के जस्टिस सुशील कुमार राय होंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय इस बार राजनाथ सिंह और देवेंद्र शर्मा के नाम पर 2 स्वर्ण पदक देगा तथा विज्ञान वर्ग के टॉप करने वाले छात्रों को राजनाथ सिंह के नाम पर स्वर्ण पदक दिया जाएगा तथा विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के टॉप करने वाले छात्र को पूर्व कुलपति देवेंद्र शर्मा के नाम से गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुरातन छात्र विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, छात्र वर्तमान छात्रों के लिए रोल मॉडल होते हैं, इनकी प्रभु हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन के लिए साथ संस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। इस आयोजन के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पूरी तरह दुनिया में फैले अपने पुरातन छात्रों को जोड़ने की किसी संस्थान की आधारशिला को मजबूत करने में यह एक सुनहरा अवसर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश कुमार सिंह ने कहा, लेकिन वो थोड़ा कम पोस्टिंग करना पड़ा, ये कहीं हमारा कमीशन खराब हो गया। अभी उतना रहे थे काफ़ी दिनों से, डेटा बेस उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए, लेकिन अभी काफ़ी एंकरेज है, 3-4-5 दिन में काफ़ी काम हुआ। तो एक तो आप जैसा जानते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी हैं, एक प्रेस रिलीज आ जाएगा आपके पास और 11 से 1 दो घंटे का कार्यक्रम हमने प्रपोज किया है। उन्होंने मांगा था कि मिनट मिनट ये मैंने भेजा है, इसमें श्री आर के चतुर्वेदी जो इवेंटली प्रधानी सेक्रेटरी हैं, वशिष्ठ अतिथि रहेंगे, जस्टिस सलील कुमार राय भी वशिष्ठ अतिथि रहेंगे, श्री जीविका पाल भी वशिष्ठ अतिथि रहेंगे, श्री कृपा शंकर सिंह भी वशिष्ठ अतिथि रहेंगे और चीफ गेस्ट हमारे डिफेंस मिनिस्टर का कैंपर फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जस्टिस राहुल चतुर्वेदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज, जस्टिस सलील कुमार राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट के इंचार्ज सिटिंग जज, जस्टिस सुरेश चंद्र शर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज, श्री शिव प्रताप शुक्ला जी को एम पी राज्यसभा, कुंवर बीएस सिंह IPS फॉर्मर दिल्ली पुलिस उड़ीसा, प्रोफेसर के एन सिंह वाइस चांसलर साउथ बिहार, प्रोफेसर SPM पार्टी वाइस चांसलर अमरकंटक संजय मसूद अमरकंटक, प्रोफेसर मोहित मोहन पाठक वाइस चांसलर जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहला पुरातन छात्र सम्मेलन है, तो 3 दिवसीय सम्मेलन है, ये पहली बार यूनिवर्सिटी कर रही है और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी चीफ गेस्ट रहेंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे और 4 लोग वशिष्ठ अतिथि हैं, प्रोफेसर श्री आर के चतुर्वेदी जी ये सेक्रेटरी फर्टिलाइजर हैं, ये 84 बैच के ऑफिसर हैं, अभी वर्तमान में फर्टिलाइजर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, और सलील राय जी, जस्टिस सलील राय जी हाईकोर्ट के जज हैं, जगदम्बिका पाल जी फॉर्मर मिनिस्टर और अभी सांसद सदस्य हैं, उसके बाद हरीश कृपा शंकर सिंह जी जो फॉर्मर होम मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी, तो ये लोग आ रहे हैं। उसके बाद एक लिस्ट हमने करीब 31 डिस्टिंग्विश्ड अलुमनस अवार्ड की दी है,
उसमें जो जजेस हैं हाई कोर्ट के प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं, उसके बाद या फिर राजनाथ सिंह जी हैं जो ये मिनिस्टर्स हैं, हमारे पंकज चौधरी जी का नाम है, हमारे शुक्ला जी सांसद हैं उनका नाम है, तो वो लोग सभी लोग को हम लोग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड से नवाज रहे हैं। सर कितने दिवसीय ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। पहले दिन जो प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा लंच के बाद 3 बजे के बाद, और पहले दिन 3 कार्यक्रम है, एक इंडस्ट्री एजुकेशन इंटरफेस और 2 फैकल्टी वाइज भी 2 फैकल्टी के अलमनाई मीट होगी, एक कॉमर्स फैकल्टी की एजुकेशन फैकल्टी की जिसको होगी, और बाकी जो फैकल्टी एग्रीकल्चर का है, साइंस का है, आर्ट्स का है, लॉ का है, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है, वो एक को लंच के बाद होगी और डिपार्टमेंटल अलमनी मीट 2 तारीख को होगी। सारे आप डिपार्टमेंट इन्वाइट करेंगे, फैकल्टी को कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे डीन्स और डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सर विद्यालय के अलावा और कहीं के छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं, एकदम बाहर के छात्र आ रहे हैं। 1000 जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें ज़्यादातर बाहर के छात्र हैं, बाहर के काफ़ी, उसको देख लेंगे डेटा, हम देखते हैं काफ़ी लोग, ये नाम आपको पढ़े हैं सभी बाहर के हैं, कोई भी अभी छात्र नहीं है, तो काफ़ी लोग बाहर के हैं।